हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेनी शेयर के बारे में जिसमें कि रिटेलर्स जो है भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, भर भर के पैसा इस शेयर में डाल रहे हैं और फिर बाद में वही कहते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा नहीं बनता। क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि पेनी शेयर में इन्वेस्ट करो, ये इतने का था, इतने का हो जाएगा। जैसे हम अगर इसी शेयर की बात करें, इस शेयर का नाम क्या है, इस शेयर का नाम है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। ये अनिल अंबानी की जो भी कंपनी है, इसकी कंपनी इतनी फ्लॉप चल रही है आजकल, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसका प्राइस 11.20 रुपये है। लास्ट डे में जो है ये 2.5% जंप किया है, लेकिन हमें प्राइस देख के तो कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर हम इसके मैक्सिमम अगर हम देखें रिटर्न्स, मैक्सिमम से जो है अभी तक इसने हमें 70% का नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। कभी को कहा जाता था कि ये 3000 के करीब शेयर हुआ होता था, जैसे 2008 में ये शेयर लगभग 3000 के करीब, 2700-2800 के करीब चलता था। तो वही उम्मीद से लोग इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वही उसी उम्मीद से इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि ऑपरेटर्स के द्वारा भी शेयर में हवा बनाया जाता है, खबरें लाई जाती हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर इनमें फंस जाता है। तो ऐसे शेयर में हमें कभी फंसना नहीं चाहिए। और अभी हम इसके फाइनेंशियल्स भी थोड़े देख लेते हैं। जैसा कि अब हम इसके देख सकते हैं, फाइनेंशियल्स में आ गए हैं। कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल ही ख़राब चल रही है, बिल्कुल कोई बैलेंस शीट नहीं है, सब चीज़ नेगेटिव में है। बुक वैल्यू नेगेटिव में, नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव में है, सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव, आरओई आरओसी सब कुछ नेगेटिव। फिर भी पता नहीं रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलें, जैसा कि अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो इनके लास्ट मार्च 2020 से मार्च 2021 तक इनके प्रमोटर होल्डिंग ओनली 1.5%। प्रमोटर सब कुछ बेच के निकल रहे हैं, जब जिसमें से कि 3.5% इनका प्लेज ही है। मतलब समझ सकते हो कि कुछ क्या कहें इसकी फिर बैलेंस शीट के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में इतना ख़राब है। और फिर भी आप देख सकते हैं कि पब्लिक होल्डिंग 94%, पब्लिक होल्डिंग आप देख सकते हो, पब्लिक होल्डिंग 94% है। मतलब आप समझ सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर कितना ज़्यादा भटका हुआ है इस टाइम। जो कि हम रिटेल इन्वेस्टर को इन्हीं सब शेयर्स में पैसा दिखता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा पहले ही कि ऐसे शेयर्स में कभी भी, ऐसे और किसी भी शेयर्स में कभी भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी फाइनेंशियल्स बिल्कुल ख़राब हो, कंपनी का बैकग्राउंड सही ना हो। तो ऐसे शेयर्स सिर्फ रिलायंस कैपिटल ही नहीं, सब जगह कहीं से भी अगर हम इन्वेस्ट करें तो पहले हमें खुद शेयर की जांच करनी चाहिए। कहीं से भी सुन के सिर्फ इन्वेस्ट करना है, सिर्फ किसी ने कह दिया तो इन्वेस्ट कर लिया, ऐसे हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें अपनी एनालिसिस खुद करनी चाहिए, तभी हमें अपने शेयर में कॉन्फिडेंस आएगा। वो जब हम सुन के शेयर लेते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है उसका, उस प्रकार का। अगर वो 10% या 5% भी गिर गया तो हमारे अंदर हड़बड़ी मच जाती है। तो इसीलिए जो है हमेशा हमें खुद की एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है। सब जगह से अगर आप सुनते हो, लेकिन खुद की एनालिसिस करो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। और प्लीज़ ऐसे पेनी शेयर और ऐसे ख़राब फाइनेंशियल्स वाली कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आप हमेशा बर्बाद हो जाओगे, आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है इस चक्कर में। तो इसीलिए जो है आज आपको ये जागरूक करने के लिए वीडियो बनाई गई थी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।